एक गैर सरकारी संगठन के लोगों ने NBCC पर दिल्ली में बिना परमिशन के पेड़ काटे जाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि शहर में बिना परमिशन के करीब 2500 पेड़ काटे गए हैं और करीब 16000 पेड़ काटे जाने की तैयारी में हैं। वहीं NBCC ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने प्रोजेक्ट की जानकारी दी है। और इस सिटी को आपको अगले 100 साल के लिए बनाना है, 200 साल के लिए। जितनी तकलीफ एक पेड़ काटने में होती है आपको सबको बराबर, और शायद जो पेड़ काटता है और उसको एक एवरेज में 100 पेड़ लगाएगा उसको ज़्यादा तकलीफ होगी और ज़्यादा मिलेगी। तो आप लोग हमको अपने हिसाब से समझिएगा। और एक बार फिर मैं आप सब लोगों के माध्यम से आप लोगों को एश्योर कर रहा हूँ कि NBCC दूर के बाहर नहीं करेगी, जो परमिशन रिक्वायर्ड है उनके बाद ही करेगी। इसलिए इसके बाद में कोई क्वेश्चन नहीं बचता है, आप इस बिल्कुल चिंता के आप आराम से जाइए। लेकिन सच तो ये है कि दिल्ली के लोग प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पेड़ काटने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। लोगों ने चिपको आंदोलन का भी ऐलान किया है। लेकिन सवाल उठता है कि प्रदूषण से जूझता दिल्ली क्या इस योजना के लिए तैयार है। करुणा ठाकुर के साथ दीपचंद शर्मा की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।